अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड्स 2023 18 मार्च शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले पर। नाम दत्त शोधयामि नमः स्वाहा। ये क्या दुर्गा सप्तशती के इस पाठ में आप इस तरह बीच में नहीं रुक सकती हैं? महंत जी, हमारी तबीयत हमें कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे लेकिन इस तरह से पाठ कैसे पूरा होगा? पाठ जरूर पूरा होगा नाना जी। आज एक माँ और एक पत्नी दोनों साथ मिलकर ये पूजा पूरी करेंगे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम अभी आते हैं। नंदिनी बेटा, तुम छोड़ा? नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। आओ बैठो। अंदर हवन शुरू होने वाला है और ये हमारे पास आखिरी मौका है। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। हम भी तैयार हैं और बाहर टेम्पो भी मंगा लिया है। ठीक है। अब अंशुमन बाबू और सुमन पति पत्नी के रूप में ये हवन संपूर्ण करेंगे। हवन सामग्री थोड़ी और मंगा लीजिएगा। जी महान जी। ये देखिए, हवन सामग्री तैयार है। स्वाहा। नमस्ते जी। स्वाहा। स्वाहा। जरूर सुमन ने कुछ किया होगा, तब हमले के लिए सबको तैयार रहने के लिए कहो। सुन बेटा, सबको आरती दे दो। जी नाना जी। नमस्कार राय बहादुर जी। अरे झा साहब, आप यहाँ अचानक? आपकी बहू सुमन ने हमें भी निमंत्रण दिया था और कह रही थी कि आप हमारे मित्र हैं, पूजा में जरूर आइएगा, कुछ जरूरी बातें करनी है। जी अंकल जी, अच्छा हुआ आप आ गए। दादाजी ना आपको बहुत याद करते हैं और आप इतने बिजी रहते हैं तो मुलाकात भी नहीं हो पाती, तो हमने सोचा कि हमारे घर की पूजा में ही आपको आमंत्रित करते। पूजा के बहाने आप घर पे तो आएंगे? बिल्कुल ठीक। मैं पुलिस वाला हूँ। मुझे लगा कि आपको लगा कि हमने किसी क्रिमिनल के बारे में आपको बात करने यहाँ बुलाया है। नहीं अंकल जी, हमारे घर पे कोई क्रिमिनल नहीं है। हमारे यहाँ सब हमारे घर वाले, रिश्तेदार और शुभचिंतक ही हैं। जा साहब, आप पूजा में आए हैं तो प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। आइए, मैं आपको भोजन की जगह दिखा देता हूँ। आइए। मैं आदमियों से कहिए कि वो यहाँ से चले जाए, वरना उस्तरा कैन का पोल सबके सामने खोल देंगे। और हाँ, कोई तमाशा करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज।
वरना आपका सच हम सबके सामने ला देंगे। चक्रानी जी, तमाशा तमाशा तो हमारे पास भी है बहुत कुछ करने के लिए, तुमने हमें जरा कम आंका है। तुम्हें हमारा सच जानना है ना बहू, तो ठीक है फिर आज हम इस सच को सबके सामने लाकर ही रहेंगे। बता देते हैं सबको सब। कीजिएगा मिथिलेश जी, हम और नहीं सह सकते और चुप नहीं रहेंगे हम। ये सिंदूर लीजिए और हमारी मांग में भर दीजिए, इस पाप के रिश्ते को पुण्य में बदल दीजिए। हमें अपने बेटे के भविष्य के लिए सच सबके सामने लाना ही होगा। इसके आगे एक शब्द और मत बोलना। मां, ये किसकी बात करेगी? मां, बाजी आप किस बेटे की बात कर रही हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मां, किसकी बात कर रही हैं? जवाब दीजिए मां। ये तुम्हारे बारे में बात कर रही है बेटा। हम पूरे परिवार के गुनाहगार हैं, मैं और सुरभि जी। मिथिलेश और बाबूजी, खासकर मैं, अब वो समय आ चुका है कि पूरे परिवार को जो सच है पता चल जाना चाहिए। बाऊजी, इस सच को राज बनाए रखने का वादा मैंने सुरभि जी से किया था। आज तक मैंने जितनी भी गलतियां की उसका सारा खामियाजा सुरभि जी ने भुगता है, क्योंकि सुरभि जी नहीं चाह रही थी कि ये घर टूटे, पूरा परिवार बिखर जाए। रायबहादुर खानदान की मान प्रतिष्ठा में जरा से भी आंच आए सुरभि जी नहीं चाह रही थी। लेकिन सुरभि जी, आज हमें माफ कीजिए। मतलब आपने मुझे गोद नहीं लिया था, मैं अनाथ हूं भी और नहीं भी। मैं राय बहादुर खानदान का खून, लेकिन इस परिवार का बेटा नहीं, तो फिर कौन हूं मैं? राय बहादुर खानदान का आपने मुझसे मेरी ही पहचान छुपा के रखी, क्यों पापा? क्यों किया आपने ऐसा पापा? लेकिन यहां कर मुझे पता चला कि बिना मुझसे पूछे आपने मेरी शादी तय कर दी थी सुरभि जी के साथ। मैं कुछ नहीं बोल पाया आपको, मैं हताश हो गया। और शादी की तैयारियां यहां तक हो चुकी थी कि शादी का कार्ड तक तैयार था। बाबूजी, मैं क्या करता, मेरे दिल पर एक बोझ था बाबूजी, इसीलिए पहले ही दिन जो सच था सारा सच मैंने सुरभि जी को बता दिया। उसके बाद तुरंत मुजफ्फरपुर से चंदा का फोन आया मुझे, वो ये चाहती थी कि मैं मुजफ्फरपुर पहुंच जाऊं।
लेकिन मैं अकेला नहीं गया भाऊजी, साथ में सुरभि जी को भी लेकर के। और उसके बाद मैं और सुरभि जी नन्हे से अंशुमन को लेकर यहाँ भागलपुर आ गए और आप सबसे ये कहा कि हमने अंशुमन को गोद लिया है, जबकि वो मेरी अपनी औलाद थी, मेरा अपना खून था। उसके बाद हम दोनों ने बहुत कोशिश की चंदा को ढूंढने की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तो किस्मत का खेल देखो कैसा निराला है, सुमन और अंशुमन की वजह से आज चंदा हमारे बीच है। अगर अपने कानों से ही सब नहीं सुने होते ना, हम जिंदगी में कभी विश्वास नहीं करते। तमाशा बना के रखा हुआ है। बेढंगी कहानी नहीं बड़की बहू, कड़वी सच्चाई। इस घर की, इस खानदान की, जिसकी जानकारी हमको भी नहीं है। अरे जब बेटे और बहू ने हमारे साथ विश्वासघात किया तो इस बाहर वाली के साथ हम किस मुंह से बात करेंगे? अंशुमन, अंशुमन, अंशुमन जी, तुम ही हमारे बेटे हो, तुम हमेशा से हमारे बेटे थे, तुम हमारा खून ना सही, पर बेटा रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, प्यार से और प्यार के जुनून से बनते हैं। हमने जी जान लगा के तुम्हारी परवरिश की है बेटा, हमारी जान बसती है तुम में, तुम तो हमारी जान हो। तुम्हारे आने से पहले हम सिर्फ एक औरत थे, हमारी गोद में आने के बाद तुमने हमें माँ बनाया है बेटा, माँ का दर्जा दिया है। बचपन में जब मायूस होता था तो इस कागज के टुकड़े पर लिखे शब्दों को पढ़ लेता था और इसे पढ़कर अंदर एक हौसला पैदा हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे कि कोई तो है जो हमेशा मेरा साथ देगा, जिसे मेरे जीत हार से नहीं, मेरे होने से फर्क पड़ता है। लेकिन आज पता चला कि वो हौसला झूठा था, झूठे थे इस कागज पर लिखे हुए शब्द। आपने सिर्फ मुझे और माँ को नहीं, इस पूरे परिवार को धोखा दिया है पापा। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने मेरे बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की है। अंशुमन जी, प्लीज प्लीज ऐसे खुद को चोट मत पहुंचाइए, आपको दर्द होगा, प्लीज। एक बहुत अजीब दर्द से गुजर रहा हूं मैं, बहुत तकलीफ में हूं, तुम ही बता दो कैसे कम करूं इस दर्द को। हमसे बांटिए अपनी सारी तकलीफें, हमें बताइए अपने सारे दर्द, आपका हर दर्द, हर खुशी, हर गम, सब हमारा अंशुमन जी, प्लीज खुद को संभालिए प्लीज। अगर हम आपको ऐसी तकलीफ में देखेंगे तो आप किस्मत मर जाएंगे। नहीं सुमन,
फिर तो मेरे पास जीने के मायने नहीं रहेंगे सुमन। सब कुछ तो खो चुका हूं मैं, तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस मत करिए ऐसी बातें कहना, आपने किसी को नहीं खोया। आप जानते हैं अंशुमन में सुमन छुपी हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं खो सकते। अंशुमन जी हम समझ सकते हैं आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो आपके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा अंशुमन जी। प्लीज अपनी सुमन के लिए खुद को संभाल लीजिए, हम आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते। सुमन अगर मैं शांत रहा तो सच का सामना नहीं हो पाएगा मुझसे। मेरा जन्म, मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान सब एक सवाल बन गए। हर रोज मेरे सामने जिंदगी का एक नया पन्ना खुलता है। पहले मालूम हुआ कि मैं राय बहादुर खानदान का खून ही नहीं हूं, अनाथ हूं मैं। इतनी मुश्किल से खुद को संभाला था कि माँ जी आ गई, और उनके आने से एक और सच को छुपाने की कोशिश चलने लगी। वो सच कि मैं खून तो हूं इस खानदान का, मगर नजर हमने जो चंदा माँ जी के बारे में पता किया है अंशुमन जी को इस हालत में चाहकर भी नहीं बता सकते। पहले हमें इस औरत के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। जाजी, जाजी दरवाजा खोलिए, जाजी दरवाजा खोलिए, हमारा जी घबरा रहा है। जाजी, जाजी दरवाजा खोलिए। माँ, क्या हुआ? देखो ना, तुम्हारे पापा दरवाजा नहीं खोल रहे। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, पापा अंदर क्या कर रहे हैं? पापा, 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 जाके दरवाजा खोलिए। मुझे मत रोकिए, आज आप मैं कसूरवार हूँ, मेरी वजह से पूरा परिवार तहस नहस हो गया, मेरा बेटा मुझसे छीन गया। सुरभि जी, मत कीजिए। जाजी क्या करें, नीचे उतरिए। जाजी, जाजी, पापा प्लीज, प्लीज ऐसे मत करिए। अरे नीचे उतरिए। पापा ऐसे मत कीजिए। नीचे उतरो, मिथिलेश ठीक हो जाएगा सब। अरे कोई करो कुछ, दरवाजा खोलो। ये क्या कर रहे हो? प्लीज चाची क्या कर रही है? पापा क्या कर रहे हो? पानी लेके, पानी लेके, नींद की पानी। क्या कर रहे थे मिथिलेश? 27 साल पहले जो गलती की, उस गलती को छुपाने के लिए ये
उसकी एक और गलती साबित क्या करना चाहते हो तुम? हाँ पापा, हम क्या करने जा रहे थे? हाँ, कोई सच सबके सामने आया, लेकिन आप उस सच से दूर तो नहीं भाग सकते ना? क्या हो गया पापा? हाँ, क्या हो गया अगर सच सभी को पता चल गया तो? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे पापा हैं, वैसे ही आप बेबी के भी पापा हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं बेबी को कभी जज नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज आप आइंदा से ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ये क्या था? हाँ बच्चों, मुझे माफ कर दो, खासकर तुम बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं जानता हूं मेरी यह गलती माफी मांगने के लायक नहीं है, पर मुझे माफ कर दो। मैं याचना करता हूं बेटा, मुझे माफ। नहीं पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? सब मेरा परिवार है, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो इस परिवार को ग्रहण लग जाता। पापा, ऐसे माफी मत मांगिए मुझसे। माजी, बेटे के रूप में अंशुमन जी को पाने के लिए अपने पूरे परिवार को जिस सच के बवंडर में ढकेल दिया, वहां से परिवार तिनके की तरह बिखर जाएगा।